सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। अज के पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे करोना दे आंकड़ियां दी, दुनिया भर दे, भारत दे अते पंजाब दे। लॉकडाउन नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ पंजाब दे लोक गुस्से विच क्यों आउंदे दिखाई दिंदे ने, ओह वी दसदे आ। सुखबीर सिंह बादल ने अपनी ही केंद्र सरकार नूं अज इक वड्डी धमकी ला दित्ती है, उस बारे भी दसदे आ। सिद्धू मूसेवाले ने अपने फैंस नाल मिल के अज एक नवी मुहिम विढ़ी है, गालां भी कढ़ियां ने, गालां कढ़न वाली ही मुहिम विढ़ी है, सारा कुछ दसदे आ। ते जेकर तुसी सोचदे हो कि टिकटॉक ते तुसी किसी भी तरह की वीडियो पा सकते हो, तुहाडा वहम है, परचा भी दर्ज होएगा अते गिरफ्तारी भी हो सकती है, सारा कुछ तुहानू दसदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ करोना दे अंकड़ियां तो। सब तो पहला तुहानू दुनिया भर के अंकड़े दस दिंदे आ। पूरी दुनिया के 76,69,872 केस हुण तक कन्फर्म हो चुके ने, जिन्हां विच्चों 36,40,188 ठीक हो चुके ने अते मौतां 4.25 लाख नूं टप गईआं ने। 4,26,185 मौतां पूरी दुनिया के करोना वायरस के करके हो चुकियां ने। हुण आउंदे आ अपने देश भारत दे वल, जिथों दा अंकड़ा रोज़ नवें रिकॉर्ड बना रहा है। 3 लाख नूं टप गया है, 3,08,993 केस हुण तक भारत दे विच कन्फर्म हो चुके ने, जिन्हां विच्चों ठीक होयां दी गिणती भी 1.5 लाख टप गई है। 1,54,330 लोग ठीक भी हो चुके ने अते मौतां दा अंकड़ा 8,884 तक पहुँच गया है। भारत करोना वायरस के अंकड़ों के रोज़ाना नवा रिकॉर्ड बना रहा है, नवे केस आने के भी मौत 24 घंटे होने भी नवे ही रिकॉर्ड बनते दिखाई देते हैं। पिछले 24 घंटे के भारत के सब तो ज़्यादा हूँ तक दे सब तो ज़्यादा पिछले 24 घंटे केस आए हैं। 11,458 नवे केस पिछले 24 घंटे सामने आ चुके ने, मौत 386 पिछले 24 घंटे हो चुकिया ने। इस तरह भारत लगातार स्थिति बद तो बदतर होंदी दिखाई दिंदी है अते चिंतावां भी सरकार दियां वधदियां जांदियां ने, क्योंकि 4 लॉकडाउन लाउण तो बाद अनलॉक 1 दा ऐलान भारत सरकार दे वल्लों कीता गया सी, पर जिवें केस वध रहे ने स्थिति विगड़दी दिखाई दिंदी है। इसे करके ही भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे सूबियां दे मुख मंत्रियां दे नाल एक बार फिर तो मीटिंग करन दा फैसला लिया है। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल 16 तरीक नूं 3 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल नरेंद्र मोदी दे वल्लों मीटिंग की जाएगी। 2 दिन रखे गए ने 16 अते 17 तरीक। इन्हां दोवां दिनां दे विच देश दे सारे सूबियां दे मुख मंत्रियां दे नाल भारत दे प्रधानमंत्री दे वल्लों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए मीटिंग की जाएगी। मीटिंग दा एजेंडा उही करोना वायरस होएगा, सारे सूबियां दी स्थिति दा जायजा प्रधानमंत्री दे वल्लों लिया जाएगा। हुण आउंदे आ अपने सूबे पंजाब दे वल, जिथों दा अंकड़ा रोज़ाना वध रिहा है अते पहुँच गया है 3,063 तक। 2,327 ठीक हो चुके ने, 671 इस वेले पंजाब दे विच एक्टिव केस ने अते 65 मौतां पंजाब दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। पिछले 24 घंटे दे विच पंजाब दे विचों 77 नवे केस सामने आ गए ने। अमृतसर तो 9 आए ने, मोहाली तो 11, संगरूर तो 3, नवांशहर तो 5, जलंधर तो 5, रोपड़ तो 1, बरनाला तो 2, फिरोजपुर तो 1, पठानकोट तो 6, बठिंडा तो 1, फतेहगढ़ साहिब तो 1 अते तरन तारण तो 4 नवे केस सामने आ चुके ने। इस तों इलावा कपूरथला तो 1 केस आया है, लुधियाणा तो 26 अते पटियाला तो 1 नवा केस सामने आया है। पिछले 24 घंटे दे विच 45 मरीज़ ठीक भी होए ने, ठीक 45 होए ने, नवे केस 77 आए ने, 2 मौतां पिछले 24 घंटे हो चुकियां ने अते दोवें ही अमृतसर तो हुई ने। हुण तुहानू जिलावार अंकड़े दस दिंदे आ कि एक्टिव केस किस जिले विच किन्ने ने, आपो अपना जिला तुसी नोट कर सकते हो। अमृतसर दे विच इस वेले 193 एक्टिव केस ने, जलंधर विच 61, लुधियाणा विच 148, गुरदासपुर विच 25, तरन तारण तो 6, पटियाला तो 30, साहिबजादा अजीत सिंह नगर तो 37, हुशियारपुर तो 3, संगरूर तो 34, पठानकोट तो 59, नवांशहर तो 14, फरीदकोट तो 20, रोपड़ तो 9, फतेहगढ़ साहिब तो 5, श्री मुक्तसर साहिब तो 1, मोगा तो 2, बठिंडा तो 6, फाजिलका तो भी 6, फिरोजपुर तो 2, कपूरथला तो 2, मानसा तो 2 अते बरनाला तो 6 एक्टिव केस इस वेले हैगे ने। 3,063 टोटल केस कन्फर्म हो चुके ने,
671 इस वेले एक्टिव ने, 2327 ठीक हो चुके ने अते 65 मौतां पंजाब दे विच कोरोना वायरस दे करके हो चुकिया ने। इस तो बाद हुण तुहानू दसदे आ हुण तक दी सब तो वड्डी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दा एक बयान आया सी कि जो फसलां दे समर्थन मुल ने वो देश दी आर्थिकता दे लई खतरा ने अते बहुत ज़्यादा ने। उस तो बाद अंदाजे लाए जाण लगे कि केंद्र सरकार दे खिलाफ जो चर्चा चल रही सी कि MSP समर्थन मुल नू खत्म किया जा सकता है, लगता है कि केंद्र सरकार उस ते विचार करन लगी है। इस नूं लैके हुण श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपनी ही केंद्र सरकार नूं एक वड्डी धमकी दे दित्ती है। सुखबीर सिंह बादल ने एक प्रेस दे विच अपना बयान जारी किया है, लिखती बयान जारी किया है, जिस दे विच उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि केंद्र सरकार दे विच श्रोमणी अकाली दल बनिया इसे लिए होया है तां जो पंजाबियों के हितों की खास तौर पर किसानों के हितों की राखी की जा सके। जेकर केंद्र सरकार ने समर्थन मुल नूं छेड़न की कोशिश की जां फिर जो हुण खरीद व्यवस्था चल रही है उस दे विच तब्दीलियां करन की कोशिश की तां श्रोमणी अकाली दल किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी कुरबानी दे सकता है। सुखबीर सिंह बादल ने इस बयान दे विच कहा कि जेकर उन्हां नूं लोक संघर्ष भी छेड़ना पिया वह भी छेड़नगे, इस तों इलावा किसी भी हद तक उन्हां नूं जाना पिया तां वह जरूर जाणगे। आखिर सुखबीर सिंह बादल ने अपने बयान दे विच वर्ड टू वर्ड लिखिया की है, तुहानूं वह सुना दिंदे आ। सुखबीर सिंह बादल ने अपने बयान दे विच लिखिया है, श्रोमणी अकाली दल सरकारी एजेंसियां वल्लों पंजाब दे किसानां दे झोने ते कणक दी खरीद घट्टो घट समर्थन मुल MSP ते यकीनी बनाउण दे मुद्दे ते कदे भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यह पहलां तों ही मुश्किलां च घिरी साडी किसानी लई जिंदगी ते मौत दा सवाल है। समय दे इस मौजूदा पड़ा ते मैनूं MSP प्रणाली नूं कोई खतरा दिखाई नहीं दिंदा, पर जे किसी भी पड़ा ते फसलां दे घट्टो घट समर्थन मुल अते यकीनी मंडीकरण नाल कोई छेड़छाड़ की गई तां अजिहे अन्याय प्रति श्रोमणी अकाली दल मूक दर्शक बन के नहीं बैठेगा अते बेइंसाफी दे खात्मे तक संघर्ष करेगा। केंद्र सरकार विच असीं इह यकीनी बनाउण लई बैठे हाँ कि पंजाबी भाईचारे ते खास तौर ते किसानां ते होरनां गरीब वर्गां दे हित पूरी तरह सुरक्षित रहन अते जे उन्हां नूं किसी भी किस्म दा कोई खतरा होया तां श्रोमणी अकाली दल किसी भी हद तक संघर्ष करन लई तैयार बर तैयार है। सुखबीर सिंह बादल ने यह पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर पाई है अते इस तों इलावा मीडिया दे विच एक बयान भी सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों जारी किया गया है। अपने पेज पर जो उन्होंने ये पोस्ट पाई है उस विच उन्होंने थोड़े घट शब्द लिखे ने, पर जो बयान जारी किया गया मीडिया दे विच उस विच उन्होंने बहुत सारिया गल्लां लिखिया ने। कहिंदे ने कि असी कुछ भी कर सकते हैं पर किसानी अते संघी ढांचे की गल भी सुखबीर सिंह बादल ने अपने बयान दे विच की है। संघी ढांचे का मतलब कि जो सूबियां दे अधिकार ने जेकर उन्हें डाका मारन की कोशिश केंद्र सरकार ने की तो श्रोमणी अकाली दल किसी भी कुरबानी के लिए तैयार है, किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। सुखबीर सिंह बादल दे इस बयान नूं अपनी ही केंद्र सरकार दे लई वड्डी धमकी मन्निया जा रहा है, क्योंकि चर्चावां इह वी ने कि 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी वख-वख चोणां भी लड़ सकते ने, पर किसानी मुद्दे ते जेकर श्रोमणी अकाली दल डट गया तां हो सकदा है कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब दे विच प्रचार ही इसे गल दा करे कि असीं किसानां दे लई केंद्र सरकार दे विचों भाईवाली छड़ दित्ती है, अपना गठजोड़ तोड़ दिता है। हालांकि नितिन गडकरी ने MSP दे दिते गए बयान ते सफाई भी दे दिती है। नितिन गडकरी कहिंदे ने कि शरारती अंसरां दे वल्लों उन्हां दे बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जिवें कि हर लीडर दे वल्लों बयान ते विवाद होण तों बाद कहा जाता है कुछ अजिहा ही नितिन गडकरी ने भी कह दिता है। पर सुखबीर सिंह बादल कहिंदे ने कि सगों समर्थन मुल होर वधाया जाना चाहीदा है अते होर जिनसां भी इस विच शामिल कीतियां जाणियां चाहीदियां ने, भाव होरनां फसलां ते भी घट्टो घट समर्थन मुल तय किया जाना चाहीदा है, जो कि केंद्र सरकार कदे भी नहीं करेगा। इस तरह सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र की NDA सरकार नूं जिस दे कि उह खुद भी भाईवाल ने अखां दिखाउणियां शुरू कर दित्तियां ने। बहुत वड्डी खबर यह पंजाब की सियासत लई देश की सियासत लई कही जा सकती है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल सब तो पुराना NDA का भाईवाल है। जदों सारे भाजपा नूं छड्ड गए सन श्रोमणी अकाली दल ने नहीं छड्डिया सी, अते जेकर हुण सुखबीर सिंह बादल इस तरह धमकियां दे रहे हैं तो उसका मतलब बहुत गहरा निकलता है।
अगली खबर के वल वधदे आ। पंजाब दे विच करोना दे केस लगातार वधदे जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौड़ा कुट भरिया, लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया, भाव शनि एतवार को लॉकडाउन जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इस तो अलावा जो छुट्टी वाला दिन होएगा उदों भी लॉकडाउन लागू हो जाएगा, पर अज पहले दिन ही तस्वीर देखने वाली ही रही। अमृतसर दे विच तां लगभग लॉकडाउन सफल हो गया क्योंकि उतों के डीसी ने दुकाना तक भी नहीं खोल दित्तियां, पर कोई तस्वीर बठिंडा तो सामने आई जिथे इंज जापदा है कि जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह का हुक्म बठिंडा दे लोकां तक पहुँचया ही ना होवे। बठिंडा पुलिस नूं भी काफ़ी मुशक्कत उत्थे करनी पई, नाके लाए गए, पर लोकां ते उसका कोई भी असर नहीं सी। आम वांग ही बठिंडा दियां सड़कां अते बाज़ारां ते भीड़ देखण नूं मिली, जिवें लोकां नूं पता ही ना होवे कि लॉकडाउन का ऐलान हो चुकिया है अते उन्हां ने घरां दे विच रहना है। संगरूर तो कोई तस्वीरां सामने आईयां जिथे दुकानां तां खुल्लियां, पर लोक कैप्टन सरकार दे इस फैसले ते काफ़ी गुस्से दे विच दिखाई दित्ते। लोकां ने किवें भड़ास कढ़ी है कैप्टन सरकार के खिलाफ, तुहानू ओह सुणा दिंदे आ। कोर्ट दे विच दिनों दिन अंकड़े वधदे जांदे ने जी, ते मौत अंकड़ा ही वधदा जांदा हैगा। सरकार बिल्कुल फेल है इस काम च, ते जो दिनों दिन कदे कहिंदे सरकार भी अज लॉकडाउन लगना है, हुण तुसीं इह ला लो भी कहिंदे 12 एतवार नूं लॉकडाउन है, भी दो दिनां नाल कड़ा करोना घट जूगा। कोई मुकम्मल इहदी कोई तैयारी नहीं। सरकार लोकां नूं मारन वास्ते लोकां ने छड़ता भी खुले करते, लोग भी मरो रहो कुछ मर्जी करो। सरकार नूं सिर्फ की मतलब है भी साडी इनकम ना घटे, सरकार नूं सिर्फ अपने पैसे तक मतलब है, लोगों तक कोई मतलब नहीं सरकार का। मैं देख रहा बहुत ज़्यादा बुरे हालात ने भी, देखो दुकाना बिल्कुल सुनिया पईआं सड़कां च, सरकार निकम्मी बिल्कुल निकम्मी। देखो तुसीं ठेके खोल रही है, दुकाना बंद कर रही है, स्कूल बंद पे ने, ठेके खुले ने। कल की न्यूज़ आई है भी ठेके 7 दिन खुले रहेंगे, संडे नूं भी ठेके खुले रहेंगे ते दुकाना बंद रहेंगियां। एक पासे सरकार कह रही है नशा रोको, दूजे पासे नशा सरकार चलाउण नूं फिरदी है। मैं इस गल तो बहुत ज़्यादा हैरान हाँ, परेशान हाँ। जदों तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों ये हदायतां जारी कीतियां गईआं ने कि दुकानां तां खुल्लणगीआं शनिवार नूं 5 बजे तक, ठेके तां ऐतवार भी खुल्लणगे, पर आवाजाई बंद रहेगी, ई पास लैणे पैणगे। उदों तो ही लोकां दे विच चर्चा छिड़ी हुई है, 6-6-5 बणिआ होइआ है कि जेकर दुकानां खुल्लणगीआं ने आवाजाई नहीं चलणी तां लोक दुकानां तक जाणगे किवें। जेकर किसी ने ठेके ते शराब लैण जाणा है तां की उस नूं भी कोई पास, स्पैशल पास सरकार दे वल्लों बना के दिता जाएगा, ठेके दा पास, कि जां फिर उसने नाके ते जाके कहना है कि मैं तां ठेके तो शराब लैण चलिया है। इस तरह बहुत मजाक कैप्टन सरकार दे इस हुक्म दा उड़दा दिखाई दिंदा है, क्योंकि आवाजाई बंद, दुकानां खुल्लियां तो दुकानां ते जाएगा कौन जेकर आवाजाई बंद है, अते जेकर दुकानां ते जाणा है तां उसदा भी कोई स्पैशल पास बनेगा। ये सरकार ने क्लीयर नहीं किया। ठेके खुल्लण नूं लैके खास तौर पर लोग गुस्से विच ने, क्योंकि ठेके 7 दिन खुल्लणगे अते सारा सारा दिन खुल्लणगे। शराब प्रेम जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा है वह लोगों नूं काफ़ी रड़कदा दिखाई दिंदा है। अगली खबर दे वल वधदे आ। तुसीं ओह कहावत तां सुनी होएगी, कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल पतासे पीवे, पर यह कहावत इस वेले भारत सरकार ते भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते बिल्कुल ढुकदी दिखाई दिंदी है, क्योंकि अंतरराष्ट्री बाजार दे विच कच्चे तेल दीआं कीमतां जमीन ते डिग चुकियां ने, पर भारत दी सरकार भारत दे लोकां नूं राहत देण दी बजाए लगातार 6वें दिन पेट्रोल अते डीजल दे रेट भा वधा दित्ते गए ने। इस नूं लैके हुण विरोधी पार्टियां ने तंज कसने शुरू कर दित्ते ने। आम आदमी पार्टी वल्लों सुनाम तों आप दे विधायक अमन अरोड़ा दा कहना है कि जिहड़ी सरकार नूं लोकां दी इस वेले बांह फड़नी चाहीदी है उह सरकार मुनाफा कमाउण ते लगी हुई है। अमन अरोड़ा दा छोटा जिहा बयान तुहानूं सुणा दिंदे आ। तेल दीआं कीमतां उह तकरीबन 15-20 रुपए सस्तियां होणियां चाहीदियां सीगियां। उत्थे ही केंद्र सरकार ने 2 वारी एक्साइज ड्यूटी दे विच वाधा करके पहला 13 मार्च नूं 3 रुपए का वाधा, फिर उस तो बाद 10 और 13 रुपए का वाधा जिहड़ा पेट्रोल और डीजल दीआं कीमतां दे विच करके एक्साइज ड्यूटी दे विच तकरीबन 2 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी है जिहड़ी ओह कर ली, और 25,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कमा लिया जिहड़े खाली ऑयल रिजर्व स्टॉक्स पए सीगे उन्हां नूं फिल अप करके। सो तकरीबन इस समय दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपए आ सिर्फ और सिर्फ तेल सैक्टर दे विचों केंद्र सरकार ने तां कमा लिया, पर आम लोकां दे उपर देशवासियां दे उपर 4 रुपए प्रति लीटर दा जिहड़ा वाधू एडिशनल बोझ है ओह पा दित्ता गया, जिहड़ा कि मैं समझदा कि हर पक्षों नजायज़ है।
मोदी सरकार दे वल्लों इस महामारी दे विच कई अजिहे फैसले ले जा रहे ने जो कि लोक विरोधी जापदे ने। जदों इस वेले प्रवासी मजदूर सड़कां ते रुलदे फिरदे ने, सरकार ने असमर्था जता दिती है कि असी उन्हां नूं घरां विच सही तरीके नाल नहीं पहुँचा सकते। भावें सीधे तौर पर नहीं किया, पर जदों सरकार नहीं पहुँचा सकती उदों ही अजिहियां तस्वीरां सामने आउंदियां ने। पर भाजपा ने बिहार दीआं चोणां दे लई अपना प्रचार शुरू कर दिता है अते बहुत महंगीआं करोड़ां रुपए दीआं LEDs उन्हां जगहां ते ला दित्तियां गईआं ने जिथे लोग रोटी तों वी वांझे ने। इस गल दा मजाक सोशल मीडिया ते उड़दा दिखाई दिंदा है। वर्चुअल रैली देश दे गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों कीती गई है, जिस ते दस्सिया जा रहा है कि करोड़ां रुपया खर्च दिता गया है। कुछ लोगों नूं स्मार्टफोन भी दिते गए हज़ारां की गिणती विच, अते हज़ारां की गिणती दे विच ही LCDs भी इलाकियां विच वख-वख इलाकियां विच लाईआं गईआं। पर मजाक इस करके उड्डिया कि जिहड़ी सरकार कहती है कि असी प्रवासियों नूं उन्हां दे घरां तक मजदूरों नूं नहीं पहुँचा सकते, रोटी नहीं दे सकते। वो सरकार जदों अपनी रैली करनी हुंदी है चुनावी रैली उदों हर जगह पर LCDs अते स्मार्टफोन किवें पहुँचा दिते गए, इस नूं लैके भी मजाक उड़दा दिखाई दिंदा है। शायद सरकार दे फेलियर दे करके ही सोनू सूद वर्गे फिल्मी एक्टर नूं अगे आउणा पिया अते सरकार दे बराबर खड़ के सोनू सूद वर्गियां ने प्रवासी मजदूरों नूं उन्हां दे घरां तक पहुँचाया। इस तरह केंद्र सरकार का इन्हों गलों इन्हों फैसलों से मजाक उड़ता भी दिखाई देता है कि कोरोना की महामारी चल रही है, सारे सरकार के मूँह वाल देख रहे हैं, इन्हों चोणा लड़न की पई है। अगली खबर के वल वधदे हां जो कि मध्य प्रदेश तो काफ़ी इंट्रस्टिंग खबर है। मध्य प्रदेश का एक बाबा है जिसनों किस बाबा के नाँ नाल भी जाणिया जाता है, किस भाव वो चुम के करोना का इलाज करन दा दावा करता सी। इस करके कह रहे हैं क्योंकि वह बाबा हथ चुमदा सी अपने चेलियां दे कि मैं हथ चुमांगा तुहाडा करोना ठीक हो जाएगा, तुसी ठीक हो जाओगे। पर सी मैं इसलिए कह रहा हां क्योंकि उस बाबे नूं करोना हो गया अते करोना दे करके उसकी मौत हो चुकी है। आप तो वह बाबा मर गया है पर उसने अपने चेलियां नूं भंबल भूसे दे विच पा दिता है, गधी गेड़ विच पा दिता है, क्योंकि जिन्ने भी उसके संपर्क में आए करोना ठीक कराउण दे लई जां फिर वैसे अपनियां मंगां पूरियां करवाउण दे लई, क्योंकि सिर्फ करोना ही नहीं वो जो कुछ भी करना हुंदा कोई भी मंग बाबे अगे रखो तो वह हथ चुमदा है, उस दे नाल कहिंदा है कि तुहाडी मंग पूरी हो जाएगी, आशीर्वाद दिंदा है हथ नूं चुम के। हुण प्रशासन दे वल्लों उन्हां लोकां दी भाल कीती जा रही है जिन्हां जिन्हां ने उस बाबे तों अपना हथ चुमाया सी। 7 व्यक्ति फड़े गए ने जिन्हां जो बाबे दे संपर्क विच आए सन अते 7 दे 7 ही करोना पॉजिटिव आ चुके ने अते होरनां दी भाल भी प्रशासन दे वल्लों कीती जा रही है। इस तरह अंध विश्वास ने भी करोना वायरस फैलाउण दा काम मध्य प्रदेश दे विच कर दिता है। बहुत सारे बाबे अजिहे ने जो बहुत सारे दावे करदे सन पर इस बाबे ने तां कुछ अजीब ही दावा कीता सी, हथ चुमदा सी कहिंदा सी तेरा करोना ठीक हो जाएगा पर अपनी ही मौत करोना वायरस दे करके हो चुकी है। बहुत अजीब खबर मध्य प्रदेश तो आई है। अगली खबर के वल वधदे हां जो कि चेलियां दे नाल ही जुड़ी हुई है। जिवें इस मध्य प्रदेश वाले बाबे दे चेले सन जिहड़े कि हुण करोना की लपेट विच आ चुके ने, इस तरह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने अज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते लाइव हो के अपने चेलियां दे लई एक हुक्म जारी किया है, भाव अपने फैनज़ लई एक हुक्म जारी किया है। सिद्धू मूसेवाला कहिंदा है एक तो उन्हें गाला कढ़िया मीडिया नूं अते नाल ही उन्हें कहा अपने फैनज़ नूं कहा अपने चेलियां नूं कि अज तो मीडिया के खिलाफ आपां मुहिम शुरू कर दईए। सोशल मीडिया से तुसी भाव उन्हां दे फैनज ने सोशल मीडिया से मीडिया के खिलाफ भड़ास कढ़नी है, मीडिया की चंगी तरह सेवा करनी है। ये शब्द सिद्धू मूसेवाला दे वल्लों वरते गए हैं अते सिद्धू मूसेवाला का कहना है कि कोर्ट कानूनी तरीके नाल मीडिया की सेवा हुण मैं करांगा, मैं पहला गाणियां दे विच मशरूफ सी पर हुण मैनू लगता है कि मीडिया दे नाल टक्करना ही पैना है। एक बार फिर गलत भाषा भी मीडिया के लिए सिद्धू मूसेवाला वल्लों वरती गई है, गालां सोशल मीडिया से लाइव होके मीडिया नूं कढ़ दित्तियां ने, सेंसर बोर्ड बनाउण दी मंग एक बार फिर तो कर दित्ती है अते अपने चेलियां नूं इह कह दित्ता है कि सोशल मीडिया ते तुसीं सेवा करनी है, मीडिया दी भाव गालां कढ़नियां ने मीडिया नूं जदों भी वह कोई मेरे खिलाफ खबर चलाउणगे, क्योंकि जिन्नियां भी खबरां मेरे खिलाफ चलाउंदे ने वह सारियां झूठियां हुंदियां ने। अज तक कोई भी प्रूफ मीडिया वालों को नहीं सी, इस करके कोई भी इल्जाम मेरे ते साबित
नहीं हो सकिया है, पर दो जिलों की पुलिस इस वेले सिद्धू मूसे वालों लभ रही है। संगरूर अते बरनाला की पुलिस कहती है कि असी छापे मारे ने, सानू सिद्धू मूसे वाला नहीं लभा, पर सोशल मीडिया से लाइव होकर पिंड च बैठ के सिद्धू मूसे वाला अपने चेलियां अपने फैनस नू हुक्म जारी कर रहा है कि मीडिया के खिलाफ तुसी हुण पड़ास कढ़नी है सोशल मीडिया से। अते पुलिस वाले कहिंदे ने कि सानू सिद्धू मूसे वाला नहीं लभ रहा क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाती है, पर अजे तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन्हां वकीलों ने सिद्धू मूसे वाला के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खड़काया है उन्होंने भी सीधी चेतावनी सिद्धू मूसे वाला ने दे दी है। कहिंदा है कि काले कोट पा के तुसी इंटरव्यू देन बैठ जाते हो, तुहानूं नहीं पता मेरी उपरली अदालत दे विच सीधी गल है, तुहाडियां अदालतां दा तां मैनूं पता नहीं, इत्थे भी मैं नजिठ लवांगा, पर मेरी उपरली अदालत दे विच भाव रब दी अदालत दे विच सीधी गलबात है, मैनूं कोई भी नहीं दबा सकता। इस तरह सिद्धू मूसे वाला ने एक तो मीडिया वाले नू गाला कटियां, एक अपने फैंस नू मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया से भड़काऊ जो कमेंट कह सकते हैं करन दे लई कह दिता, अते वकीलों नू भी चेतावनी दे दित्ती, अते कोर्ट नू भी एक तरह चैलेंज करदे दिखाई दिते सिद्धू मूसे वाले। हुण देखना होएगा कि सिद्धू मूसे वाले के फैन सचमुच ही सोशल मीडिया से मीडिया के खिलाफ गलत भाषा वरतणगे, भड़काऊ भाषा वरतणगे, गाला कढ़णगे, क्योंकि वह तो आप लाइव होकर गाला कढ़ी जांदे ने मीडिया नू, तां उन्हां दे फैंस तां फिर कुछ वध ही करनगे। अगली खबर दे वल वधदे आ जो कि इस तरह के ही भड़काऊ चीज़ों के नाल ही जुड़ी हुई है। अजिहे गायकों सुन के ही नौजवानों विच हथियारों का क्रेज़ पैदा हुंदा है, अते जेकर तुसी सोचते हो कि टिकटॉक ते तुसी किसी भी तरह की वीडियो पा दोगे अते तुहानू कोई नहीं पुछेगा, तो अजिहा नहीं है। संगरूर दे एक पिंड की एक खबर सामने आई है जिस दे विच एक नौजवान दे वल्लों शो ऑफ करन दे लई हथियारों दे नाल कुछ वीडियोज़ टिकटॉक ते पाईआं गईआं जो कि वायरल हो गई। उस तो बाद पुलिस दे वल्लों इस नौजवान दे खिलाफ परचा दर्ज कर लिया गया है अते गिरफ्तारी भी छेती ही इस नौजवान की हो सकती है। इस नौजवान ने फायरिंग करदियां दी भी वीडियो बनाई, ड्रोन दे इस्तेमाल करके कोठे ते चढ़ के दनाली हाथ विच फड़ के टॉर दे नाल वीडियोज़ बनाईयां अते सोशल मीडिया ते उन्हां नूं जारी कर दिता, टिकटॉक ते पा दित्तियां। पर पुलिस ने अपील की है कि नौजवानों नूं अजिहा नहीं करना चाहिए, किसी उसारू काम वल ध्यान देना चाहिए है, हथियारों का नजायज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस पिस्तौल दे नाल हवाई फायरिंग टिकटॉक दी वीडियो विच कीती गई है वह पिस्तौल इस मुंडे दे दोस्त दा है अते जो दनाली कोठे ते चढ़ के दनाली नाल वीडियो बनाई है वह इस मुंडे दे पिता दी दनाली पुलिस दे वल्लों दसी जा रही है। इस तरह इन्हां गायकां दे करके ही क्योंकि जो इन्हां टिकटॉक वीडियो दे पिछे गीत लाए गए ने वह इन्हां ही सिंगरां दे ने जो कहिंदे ने मार देंगे कट देंगे गोली मार के सब कुछ उधेड़ देंगे। अजिहे गायकां दे करके ही नौजवान अजकल हथियारां दा क्रेज़ उन्हां विच पैदा हो रहा है, पर उसका खामियाजा भी नौजवानों नूं भुगतना पएगा। इंज ही जापदा है क्योंकि जेकर इस नौजवान की गिरफ्तारी हुण हो गई तो उस दे लई तां ये टिकटॉक वीडियोज़ ही गिरफ्तारी का कारण बन गया, हथियारों का क्रेज़ ही गिरफ्तारी का कारण बन जाएगा। हुण एक सवाल इत्थे असीं तुहाडे तों द पंजाब टीवी दे दर्शकां तों पंजाब दे लोकां तों वी पुछ लैणा चाहुंदे आ कि जिस तरह टिकटॉक ते अजिहियां हथियारां वालियां वीडियोज़ पाउण करके इस नौजवान ते परचा दर्ज होया है, तुहानूं वी लगदा है कि अजिहे वीडियोज़ पाउण दे करके परचा दर्ज होना चाहिए है, गिरफ्तारी होनी चाहिए है, सबक सिखाया जाना चाहिए है, कि जां फिर इस नौजवान ने टिकटॉक ते वीडियो पा के हथियारां वाली कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी तुहाडी राय है खबर ते कमेंट करके खुल के बेबाक होकर अपनी राय जरूर दिओ। ये सन कुछ वो खबर जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरों विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तो कमेंट करके तुसी अपनी राय जां सुझाव दे सकते हो। जेकर तुसी अजे तक द पंजाब टीवी नूं यूट्यूब ते सबसक्राइब नहीं किया तो हुणे सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन भी जरूर दबा लेना अते इस पंजाबी प्राइम टाइम नूं अपने दोस्तां मित्रां अते रिश्तेदारां तक शेयर जरूर करो तां जो पंजाब दी हर खबर तों ओह वी जाणू हो सकन। जेकर ये पंजाबी प्राइम टाइम तुसी फेसबुक ते देख रहे हो तो फेसबुक ते साडा पेज लाइक कर लो, मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा। तुसी देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।